आज गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा डिफिनेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, ये क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बराबर ए, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ए फंक्शन इन एक्स वाई, कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है क्या एक्स वाई में, क्या बराबर की एक साइड। ठीक है, Define as such that y is not expressed in term of x, y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे पिछले में आपने पढ़ा है कि y equal to x square plus 2x plus 3, ये क्या है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसको क्या है y in term of x है, यही ना, क्या है y in term of x है, मतलब कह सकते हैं कि f of x बराबर क्या हुआ x है। इधर जितना भी टर्म लिखा हुआ है इन द टर्म ऑफ x लिखा हुआ है। आपने अभी तक डिफरेंशिएशन ऐसे ही किया कि एक तरफ y बराबर की एक तरफ y कर दिए और दूसरे तरफ x कर दिए या कोई कांस्टेंट कर दिए, इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करने का रूल बताए थे वहां से आपने कर लिया। लेकिन अब ऐसा है इम्प्लिसिट फंक्शन में, इम्प्लिसिट फंक्शन में कि एक साइड x नहीं हो सकता है और ना y हो सकता है, दोनों जब भी रहेगा मिक्सअप रहेगा, मिला हुआ रहेगा। अच्छा, इसे आप कुछ भी करिएगा तो एक तरफ x नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये आप कुछ भी कर लीजिए, दिन भर भी काम कीजिए, इस पर x एक तरफ नहीं होगा और ना y एक तरफ होगा। ठीक है, देखो इधर x है, इसके एंगल में x और y है, इधर क्या है y है और 0 है। ठीक है, तो एक्स वाई के फंक्शन है, क्या है एफ ऑफ एक्स वाई और कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह 2 ले ले या फिर कोई 0 ले ले। ठीक है, तो कोई 0 क्या है, एक कांस्टेंट ही है। अच्छा, ये क्या है, एक तरफ x है y है, इसको क्या कर सकते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या कर रहा है, y इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, इसके x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पहले एक्सप्रेस कर देते थे क्या कि y इक्वल टू क्या साइन x लिखा करते थे, इस टाइप का डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब नहीं हो पाएगा, नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको किस में रखा गया है, इम्प्लिसिट फंक्शन में। तब आता है बात कि इस टाइप के फंक्शन को या इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, जैसे मैंने चैन रूल पढ़ाया है उसको याद रखिएगा, और मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो याद रहेगा तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से देखो ए है क्या, मैं ए एग्जांपल से लेके करता हूं। ठीक, तो ए क्या हो गया कि x प्लस साइन एंगल में कितना है x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टेक डीसी बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है कि x के रिस्पेक्ट में इसे कहा गया। अच्छा, तो d by dx किसका बाबू, x plus sin x into y minus y equal to क्या हो गया 0, that means कितना d by dx किसका 0 का, तो कांस्टेंट है 0 as a constant, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना ऑलरेडी में जीरो नहीं, जीरो होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा अंदर करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, ये क्या निकालना है, फाइंड डीवाई बाय डीएक्स। अगर एक क्वेश्चन ये नहीं ए है, यहां से निकाल देते हैं कि फाइंड डीवाई बाय डीएक्स, एक क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां से इसको हम डीएक्स को देखो सम में है तो सम में करते हैं, सम और सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि dx by dx प्लस d sin
x into y किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x into y में चैन रूल एक ही बार में कर देता हूँ, अपने काम किया है उस पर लेक्चर 3 में। तो यहाँ से d कितना हो जाएगा x into y अब y dx माइनस कितना हो जाएगा dy by dx बराबर इधर कितना है 0 आगे, ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 वन प्लस, यहाँ से देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos, साइन का सिंपली क्या हो जाएगा cos, लेकिन एंगल कितना है x into y लेकिन इधर अब बच गया तो इधर अब मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, इधर क्या आ गया, यहाँ से देखो अगर dx into y है by dx के टर्म में है तो इसे क्या करोगे x बाहर dy by dx फिर क्या होगा प्लस ना, फिर y बाहर करेंगे और dx by dx करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x into dy by dx तो हो जाएगा अब प्लस y into कितना 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हुआ x into dy by dx प्लस क्या हो गया y, इसकी जगह पर इतना की जगह पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा कि x into dy by dx अब प्लस क्या हो गया y, इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई है जी, और माइनस कितना हो गया dy by dx इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम और बनाएंगे, पहले यहाँ तक आप समझ लीजिए एक बार, और हमने क्या किया बहुत दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है। x plus sin x into y minus y equal to क्या हो गया आपका 0, हमको निकालना है क्या dy by dx, ठीक है। अब यहाँ करेंगे कि टेक dc, यहाँ से टेक dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमको dy by dx निकालना है ना, तो एक क्या किया x के रिस्पेक्ट में किया। आगे यहाँ से देखो हमने dx by dx दोनों तरफ dy dx लगा दी, अब फिर क्या किया अलग अलग कर दिए, अलग किए तो एक टर्म ऐसे आ, यहाँ चैन रूल लगा दी, ठीक है। चैन रूल लगाने के बाद कितना dy by dx और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है बाबू। अगर 0 हो गया अच्छा हमको इसका तो हो गया cos cos xy हो गया, लेकिन ये देखो dx into y है dx into y तो dx into y का मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है इतना हो गया पारल प्लस इतना के आगे हम लोग चलते हैं पर इरेज कर देते हैं इसके बाद फाइनल रिजल्ट में। अब देखिए करना क्या है कि आया है कितना 1 प्लस cos x into y पूरे मल्टीपल में है x into dy by dx अब प्लस y हो गया माइनस dy by dx इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब क्या करना है इसको मल्टीपल करेंगे 1 प्लस cos x into y x डॉट dy by dx अब प्लस cos x into y आगे में y लगा देता हूँ, ठीक है y माइनस dy by dx इक्वल टू 0। निकालना क्या है बाबू dy by dx निकालना है, हाँ क्या निकालना है dy by dx। अच्छा कहाँ कहाँ अब dy by dx है, dy by dx यहाँ है और dy by dx यहाँ। अब जो dy by dx के टर्म में नहीं है उसे एक जगह लिखते हैं, कौन है 1 है तो 1 प्लस y into cos x into y को क्या ना, अच्छा अब प्लस करता हूँ कि dy by dx इसके बाद इसके साथ क्या है x into cos x into y इन बाबू x into cos x into y एंगल में है और माइनस 1 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे आते हैं dy by dx, अच्छा ये पार्ट को दूसरी साइड ले जा सकते हैं बराबर को दूसरी साइड तो क्या हो गया कि dy by dx मल्टीपल में कितना हो गया x into cos x into y माइनस 1 बराबर एक पूरी जगह तो क्या आएगा माइनस के साथ आएगा 1 प्लस
y इंटू कॉस कितना हो गया x इंटू वाई, ठीक है। अच्छा अब क्या है, फाइनली dy by dx बराबर क्या आ जाएगा, यानी dy by dx माइनस के साथ है 1 प्लस y इंटू कॉस x इंटू वाई, ठीक है, और ए डिवाइड में आएगा तो x इंटू कॉस x इंटू वाई माइनस वन, ठीक है ना। ए आपका फाइनल रिजल्ट आया, अगर ए माइनस हटाया होगा तो ए पहले रखा होगा, ए बाद में रखा होगा, ठीक है। देखो अगर ए माइनस यहाँ से कॉमन कर लेगा तो ए कितना, ए माइनस से प्लस हो जाएगा, ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 1 प्लस y इंटू कॉस x इंटू वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू कॉस x माइनस इंटू वाई हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया dy by dx, डिवाइड कर दिया, हाँ ये मल्टीपल में है, इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ए आगे समझ में, यहां से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, जो किसी का बन जाएगा, नहीं हुआ तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3a x इंटू वाई करा कि फाइंड dy by dx, dy by dx बराबर कितना हो, पहले समझो अच्छे से क्या है, क्या इसको एक तरफ x और एक तरफ y कर सकते हैं, नहीं नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर पावर इधर एक है तो होगा ही, ठीक है। तो आप करेंगे वही क्या कि टेक dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dy by dx x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर कितना 3a x इंटू वाई हो गया, dy by कितना हो गया dx, ठीक है, dy by dx by, है ना। अब यहां से देखो इसको सेपरेट तो कर सकते हो, है ना, क्या हुआ dx क्यूब by dx प्लस dy क्यूब by dx बराबर 3a तो बाहर हो गया, तो dx into y by dx, ठीक है। अब देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम चैन रूल, चैन रूल बताया था ना, अब यहाँ से देखो ये तो y का क्यूब, y का क्यूब, लेकिन सबसे पहले यहाँ y होना चाहिए, तब ना dy by dx में है, तब अगले स्टेप में फिर चलते हैं, तो एक तो लग जाएगा 3 मल्टीपल में और 3 में से एक तो कितना होगा 3 माइनस 1 प्लस dy क्यूब इंटू dy इंटू dy by ऐसे में 3a बाहर हो गया। अब यहाँ से है क्या, अब ये मल्टीपल में आ गया, मल्टीप्लिकेशन रूल चले गए यहाँ पे, x बाहर हुआ और ये कितना हुआ dy by dx प्लस y बाहर होगा dx by dx, गुड। यहाँ से अब देखो ये कितना हुआ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये y था, y आया तभी लगा, चैन रूल है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पावर मल्टीपल में और पावर में से एक घटेगा, ये क्या हो गया dy by dx बराबर 3a, ठीक है, x इंटू क्या हो गया dy by dx प्लस y और इधर कितना हो गया 1 हो गया ना। अच्छा अगर ये 1 हो गया ऐसे हुआ, अब क्या हमको निकालना है कि dy by dx, यही ना निकालना है क्या कि dy by dx, तो यहाँ से देखो 3x square plus 3y square अभी तो है ना into dy by dx हो गया बराबर कि x है वन साइड में ऐसे हुआ, दूसरे साइड चलते हैं 3a को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा कि 3a into x और dy by dx plus 3ay हो गया, है ना, a आपका अभी तक आया, लेकिन निकालना क्या है dy by dx, निकालना क्या है dy by dx, तो देखो बराबर की बराबर की दूसरे साइड dy by dx है और यहाँ dy by dx है, ठीक है, सबको एक तरफ करेंगे, कॉन्स्टेंट को एक तरफ और dy by dx को एक तरफ,
ठीक है। अब यहां से चलो, यहां से देखो इसको दूसरे साइड ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर। यहां से देखो है क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स है बराबर थ्री ए एक्स डीवाई बाई डी एक्स अब प्लस थ्री ए वाई क्लियर हो, कितना हुआ थ्री ए वाई। अच्छा यहां से क्या करेंगे, एक साइड करते हैं डीवाई बाई डी एक्स को इधर का तो कितना हो जाएगा, कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं कि dy by dx हो गया, यहाँ क्या बचा 3y square, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा माइनस 3ax हो जाएगा, अच्छा 3ay बचा और a उधर जाएगा तो माइनस 3x square हो गया ना। अच्छा एक चीज को कुछ दिख रहा है क्या, 3 3 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है उसका टाइम। अब कितना हो गया कि dy by dx कितना y square minus 3a x sorry ax बराबर ay हो गया minus x square, ठीक है इधर भी 3 आ गया था comma और इधर भी उसको मैंने क्या किया हटा दिया, ठीक है। अब final result आने जा रहा है dy by dx बराबर कितना हो गया कि ay minus x square और y square minus a x, ठीक है ये आंसर। अगर ऐसे आंसर नहीं दिया होगा, अगर इसको अरेंज करके दिया होगा तो माइनस बाहर निकाला होगा x स्क्वायर बाहर निकला होगा, ठीक है उतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है आज के स्टूडेंट उतना आना चाहिए है ना। ए आ गया आपका क्या किए कुछ नहीं है, सब चाहिए dy by dx किए चलो फिर सिर्फ पैसेंस रफ ही कर देना और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, इस टाइप का डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक है एक क्या है इस टाइप का डिफरेंशिएशन निकालना, तो क्या करेंगे कि टेक बीसी बॉक्स यही करेगा कि फाइंड dy by dx इसको y dash भी लिखा करता है ना, एक ही y dash कहने का मीनिंग है कि dy by dx कर रहा है, क्या कर रहा है dy by dx। अच्छा अब यहां से करेंगे कि टेक bc टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मांग रहा है ना तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है कभी t भी मांगता है आगे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि d by dx किसका भाव y plus sin y बराबर d by dx किसका cos cos x cos x का, ठीक है ये क्या हो गया cos x का। अच्छा अब यहां दिख रहा है क्या सम रूल, अलग अलग कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां से देखो कि y तो dy by dx plus d sin y by dx बराबर d cos x by dx हो गया है ना, इसे करेंगे इसके बाद हाँ एक और y की तरफ करेंगे, ठीक है तो एक कितना हो जाएगा तो dy by dx तो है इसको cos छोटा कर देता हूँ, इसको y dash भी लिख सकते हैं प्लस यहाँ से क्या करूँ d sin y by dy into dy by dx बराबर कितना हो जाएगा cos का माइनस साइन x हो गया ना। अच्छा यहाँ से ए तो y डैश है प्लस इसका कितना हो जाएगा सिंपली cos y, देखो y है तो y के रिस्पेक्ट में हाँ y है तो y के रिस्पेक्ट में इनटू ये y डैश बराबर माइनस साइन x हो गया, ठीक है। अब y डैश कहाँ कहाँ है, ये भी y डैश है, y डैश है ना, यहाँ से y डैश कॉमन कर सकता हूँ, 1 प्लस कितना cos y
बराबर कितना माइनस साइन एक्स, तो यहां से वाई डैश कितना आएगा, वाई डैश आ गया आपका माइनस साइन एक्स और वन प्लस कॉस वाई, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, हाँ डीवाई बाई डी एक्स फिर क्या है कि डीवाई बाई डी एक्स बराबर वाई डैश होता ही है। ठीक है, इतना हो गया ना, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते होंगे तो पिछले दो लेक्चर देख लीजिएगा आपको आ जाएगा। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको क्या करना है फाइंड डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई dx बराबर कितना। ठीक है, हाँ इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो बाबू। ठीक है, इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तभी निकाला गया है कि ये क्या होगा कि आप निकालिए कि dy / dx कितना होगा। इसको अलग कर सकते हो क्या, नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, अगर y इस तरह तो हो सकता है। अब क्या करेंगे कि टेक डीसी बोथ साइड, बोथ साइड With respect to x, x इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया डिवाइड डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डाइड करता हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डिवाइड बाई डी एक्स लेकर उधर करेंगे बराबर होगा तो जीरो, हाँ होगा, मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ से क्या आ गया, वन आ गया, अब इसे क्या है प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो एक कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाहर करता हूँ dy by dx प्लस y बाहर करता हूँ dx स्क्वायर by dx अब प्लस dy स्क्वायर by dy होगा इनटू dy by dx इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब यहाँ से वन प्लस ये कितना है x स्क्वायर, ये तो कितना है y डैश ही है प्लस y हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 2x पावर मल्टीपल में पावर में से एक घटेगा। अब प्लस ये कितना होगा 2y into ab y dash equal to 0 हो गया। क्लियर हुआ, अब कहां कहां y dash, देखो यहां y dash है। ठीक है, तो y dash है, इसके बाद कितना हुआ x square, इसके बाद कितना हुआ 2y और प्लस में जो y dash नहीं है तो कितना है कि 1 plus 2xy है ना इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो इसको दूसरे साइड करते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया कि वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई अगर माइनस के साथ टोटल ले जाऊं तो कितना हुआ वन प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहां से वाई डैश माइनस वन प्लस टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरफ बनेगा, मैंने तीन चार क्वेश्चन कर दिया, इसमें आपको टोटल बन जाएगा। ठीक है।